डांडिया लुक बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस। और ये गले का सेट है वह चिंकान का है दुर्गा। मैं फ्रंट कैमरा से आप लोगों को दिखा दूंगी, तो ये पूरा यहाँ पे दुर्गा लिखा हो। जय माता रानी दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज के दिन मैं एक क्रीम कलर की साड़ी पहनी हूँ। केरला साड़ी है ये। जब मैं केरल गई थी ना, तो वहां से इसे मैं लेकर आई थी। जब मैं लेकर आई थी तो आप लोग को मैं इसको दिखाई भी थी। बहुत ही अच्छी साड़ी है, अच्छी शाइन है इस साड़ी में। और मैं आप लोग को बोली थी ना कि लहंगे का और साड़ी का ब्लाउज मैं सिलने के लिए दी हूँ, टोटल तीन हो गया। तो मैं लेकर आई तो तीनों ब्लाउज इतना टाइट हो रहा था कि पहना नहीं गया, तो फिर से वो टेलर के पास चला गया है। लेकिन आज मुझे ये साड़ी पहननी थी। मैं सोची थी कि पांचवा जो पूजा होगा नवरात्रि का, उसमें मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी और नवरात्रि के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है ये। तो वो ब्लाउज तो काफी टाइट हो गया, तो ये किसी और साड़ी का ब्लाउज मैं मिक्स मैच की हूँ। वैसे बहुत ही अच्छा मैच जा रहा है, क्योंकि इस साड़ी में जो वर्क है ना, वो इसी कलर का है। आप देखिए ये जो वर्क है बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे ब्लाउज से, तो पूरा परफेक्ट लग रहा है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ गाइज पूजा करने के लिए। सारा काम हो चुका है सुबह से, सारी साफ सफाई हो चुकी है घर की। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से करते हैं पूजा स्टार्ट। और हाँ, इसी व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मेरा लहंगा, चिपेस्ट लहंगा, जो कि मैं आप लोग को लास्ट व्लॉग में बोली थी कि दिखाऊंगी, तो इसी व्लॉग में वो वाला पार्ट में ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं पूजा रूम में और करते हैं अपना पूजा स्टार्ट। घर का पूजा करने के बाद ही मैं यहाँ पे आती हूँ पूजा करने तुलसी माँ का, क्योंकि एक बार मैं पूजा पे बैठती हूँ ना तो बीच में नहीं उठती हूँ। तो जो भी घर का पूजा करना होता है वो सब करने के बाद लास्ट में मैं आती हूँ तुलसी माँ का पूजा करने, जैसे कि सिंदूर लगाना हुआ, दिया बाती करना, ये सब मैं करती हूँ। इनका नाश्ता तो हो चुका है गाइज, ये चले गए हैं रूम में अपना काम करने और मैं यहाँ पे अकेले बैठ के खा रही हूँ। हुआ क्या ना कि जब मैं इनको खाने के लिए दी तो उस टाइम मैं अपना कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, उसी चक्कर में मैं लेट हो गई। ये बोल रही थी कि साथ में बैठ के खा लो, मैं बोली कि नहीं आप पहले खा लीजिए, ये सब मैं कर लूँगी, उसके बाद ही मेरा होगा ब्रेकफास्ट, इसलिए अकेले बैठ के यहाँ पर मैं खा रही हूँ। और पूजा का समय चल रहा है तो पूजा करने में ही लेट हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसा ब्रेकफास्ट किया जाए जो जल्दी से बन जाए। ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया गाइज, मैं आप लोग को अब दिखा देती हूँ लहंगा, वो दिखाने के बाद ही मैं आगे का काम स्टार्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं लहंगा वहाँ पे रखा हुआ है, कलर आप लोग देख ही लिए, जिस कलर का ये ब्लाउज है उसी कलर का ये लहंगा है। इतना ज्यादा सस्ता लहंगा गाइज, मैं मेसो से मंगाई हूँ, 400 के अंदर का ये लहंगा है और क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, ऐसी नहीं कि खराब है, अच्छी क्वालिटी लगी। मैं आप लोग को पहन के भी दिखाऊं कि पहनने के बाद ये दिखता कैसा है। मैं आप लोग को तो बताए ही कि तीनों ब्लाउज चला गया टेलर के पास, लेकिन मेरे पास उसी लहंगे का मैचिंग ब्लाउज है, तो उसी ब्लाउज के साथ मैं ये लहंगा पहनने वाली हूँ और हो सके तो डांडिया में भी मैं वही ब्लाउज पहनू, क्योंकि वो तो देखिये बन के आ जाएगा, लेकिन मुझे वो ब्लाउज से ज्यादा अच्छा लग रहा है इस लहंगे के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को लहंगा दिखा लेती हूँ और एक साड़ी भी है,
रेड और व्हाइट कलर में, जो कि मैं पहनूंगी सिंदूर खेला के दिन। 15-20 दिन पहले ही लाके मैं रखी थी गाइज, आज मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये सब इसलिए बोलना पड़ जाता है क्योंकि बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि आप उनका कॉपी की है, आप उनका कॉपी की है, क्योंकि मुझे ये साड़ी दिख चुका है, कोई पहना था, मुझे ये साड़ी दिख चुका है, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ कि ये साड़ी मैं 15-20 दिन पहले ही ली थी और इसे आए हुए भी हो ही गया अच्छा खासा दिन। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कॉपी की हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं ये साड़ी मंगाई हूँ। अमेजोन की साड़ी है और मीशो का लहंगा है। तो चलिए आप लोग को दिखाना स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज तो मेरे पास नहीं है गाइज, वो तो मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी, सीधे मैं दिखा रही हूँ स्कर्ट और साथ में दुपट्टा। तो ये देख लीजिए, ये है लहंगा, 400 रुपया के नीचे इसका प्राइस है, आप देख सकते हो। ये देखिए, डांडिया के लिए परफेक्ट है, अगर डांडिया नहीं भी है ना तो भी आप ये लहंगा पहन सकते हैं शादी फंक्शन में, ऐसा नहीं है कि खराब लगेगा, मेन फंक्शन में नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं ना उसमें आप ये लहंगा आराम से पहन सकते हैं। तो नीचे देखिए इस तरह का ये वर्क दे रखा है और इसके अंदर कैनकेन नहीं है, लेकिन कपड़े की क्वालिटी ऐसी है ना कि लहंगा अपने से पूरा फुला फुला सा लग रहा है, तो कैनकेन की जरूरत है नहीं। और हाइट ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, ये हाइट ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये है कुछ लहंगा, पूरा फ्लेयर मैं आप लोग को कैसे दिखाऊं, ये देखिए फ्लेयर इसका अच्छा है गाइस, फ्लेयर खराब नहीं है। और जो इसका ब्लाउज है ना वो प्लेन इस कलर का है, लेकिन उसका जो बाजू है ना उसपे ये जो गोटा पट्टी दे रखा है ना डिजाइन, ये दे रखा है। तो चलिए कोई नहीं, ब्लाउज तो गया टेलर के पास। और ये है दुपट्टा, तो मैं आप लोग को पहले बता दूं कि ये दुपट्टा थोड़ा हार्ड हार्ड सा फील हो रहा था, तो मैं क्या कि ना इसको वॉश कर दी, वॉश करने के बाद इसको अच्छे से आयरन में करके रखी हूँ, और जैसे मुझे दुपट्टा लेना है वैसे ही मैं इसको आयरन करके पिनअप करके रखी हूँ, ताकि जिस दिन डांडिया हो ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इस दुपट्टे के पीछे। थोड़ा सा धो देने पे क्या होता है ना कि इसका जो फैब्रिक है हल्का सॉफ्ट हो गया है, कलर बिल्कुल भी नहीं गया, सोचिए इतना सस्ता लहंगा और कलर भी नहीं गया वॉश करने पे, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। धोने के बाद आप देख सकते हैं दुपट्टा जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, लेंथ आप देख लीजिए। तो मैं आप लोग को प्रॉपर पहन के दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद ये दिखता कैसा है, ठीक है। तो पहले ही मैं आप लोग को बता दूं कि दुपट्टा थोड़ा कड़क था, मैं धोने के बाद हल्का सा लूज की हूँ, और नीचे का जो स्कर्ट है वो कड़क है तो अच्छा है, थोड़ा फ्लेरी लग रहा है, कड़क नहीं रहता तो फिर लूज लूज सा गिरा गिरा सा लहंगा रहता, और वैसा लहंगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो चलिए ये हो गया, अब बात कर लेते हैं गाइस साड़ी का, जो कि मैं पहनने वाली हूँ सिंदूर खेला के दिन। तो पूरे साड़ी पे आप देख सकते हैं नीचे ये वाला वर्क दे रखा है, प्लेन इस तरह का बॉर्डर है। पिछले साल मैं इस तरह का साड़ी ली थी, वो मीशो का था, वो तो बहुत ज्यादा सस्ता था, 250 का था, और ये आई थिंक 700 या फिर 800 की साड़ी है, ये अमेजोन की साड़ी है गाइस। तो इसका जो आंचल है, आंचल मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मेन तो आंचल ही है क्योंकि आंचल देख के ही मैं ये साड़ी बुक की थी, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ना पूरा टैशल लगा हुआ है आंचल पे, और यहाँ गाइस लिखा हुआ है दुर्गा, मैं फ्रंट कैमरा से आप लोग को दिखा दूंगी। तो ये पूरा यहाँ पे दुर्गा लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे दुर्गा लिखा हुआ इस तरह से, देखिए। और पूरी साड़ी कुछ ऐसी है, नीचे भी ये जो डिजाइन देख रहे हैं ना, नीचे भी ये डिजाइन आपको मिलेगा इस तरह से। तो पूरी साड़ी आप लोग को ये है, और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है। तो जैसे मैं पहनूंगी सिंदूर खेला के दिन उस दिन आप लोग देख लीजिएगा, आज मैं इसको पहन के नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं बस लहंगे का लुक आप लोग को दिखा दे रही हूँ पहन के, ठीक है। फ्रंट कैमरे से आप साड़ी देख लीजिए, कुछ ऐसा है गाइस, जिसपे लिखा हुआ है दुर्गा और ये टैशल लगा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा कलर है, पहनने के बाद पूरा उभर के दिखेगा साड़ी का लुक। फिलहाल ये दुर्गा लिखा हुआ देख लीजिए, मैं ये देखी साड़ी के ऊपर, तभी इसको मैं डन कर दी कि चलो इस बार यही साड़ी मंगाते हैं सिंदूर खेला के लिए। पूरा प्रिंट मैं आप लोग को फ्रंट कैमरा से भी दिखा दे रही हूँ, अच्छा कलर है, खराब कलर नहीं है, आप ये देखो पूरी साड़ी। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी इस डांडिया लुक में, पूरा लहंगा आप देख सकते हैं। अगर आप डांडिया खेलने जा रहे हैं ना तो इस तरह की ज्वेलरी पहनिएगा, ज्यादा अच्छी लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाथ में मैं पहन ली हूँ ये दोनों हाथ में, और ये गले का सेट है, वह चिंकान का है, और पूरा लुक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये दुपट्टा थोड़ा छोटा है तो आगे से मैं टक करी हूँ, और पीछे से आप पूरा लुक देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर निकल के आता है। तो आप इस तरह से स्टाइल करेंगे तो छोटे लहंगे से भी एक अच्छा सा लुक का क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा लुक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ इस लहंगे का।
इसका फ्लेयर आप देख सकते हैं गाइस, लहंगे का बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर कैनकेन नहीं है, लेकिन जो उठा उठा सा लहंगा है ना, तो पूरा एकदम फ्लेयरी लग रहा है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये लहंगा मुझे। और इस डांडिया के बिना तो डांडिया नाइट ही अधूरा है। तो समझ जाइए कि सिर्फ 400 का लहंगा इतना ज्यादा अच्छा। मैं ब्लाउज स्टिच करवा रही हूँ गाइस, उसका प्राइस है 600। अगर वो मैं ब्लाउज स्टिच नहीं करवाती और डायरेक्ट में ही ब्लाउज मिक्स मैच अगर कर लूं, तो समझ जाइए कि सिर्फ 400 का ये पूरा मेरा लहंगा का सेट हो गया। और इस तरह का ब्लाउज तो सबके पास होता होगा। तो ये लहंगा अगर आप ले रहे हैं, और भी बहुत सारे कलर वहां पे थे, लेकिन मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लगा, ग्रीन कलर में था, येलो कलर में था। तो आप देख सकते हैं इस पूरे लहंगे का लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अपना ये डांडिया लुक। बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस, लेकिन मुझे सिंपल लुक ही ज्यादा अच्छा लगता है, आप सभी को पता ही है। ड्रेस चेंज करने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में गाइस लंच बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। मैं आप लोग को बताना भूल गई कि जो लहंगा है ना, नीचे का जो स्कर्ट है, घाघरा भी आप कह सकते हैं, वो पूरा सिला हुआ था। उसको सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्लाउज ही स्टिच करवाना है। लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पहले से उस कलर का ब्लाउज हो, या फिर कोई ग्रीन कलर का ये ब्लाउज उसके साथ आराम से जाएगा। तो लहंगा तो आप देख ही लिए कितनी अच्छी क्वालिटी का है। मैं ना जो एकदम प्रॉपर डांडी वाला लहंगा होता है, वैसा लहंगा थोड़ा लेने से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उस तरह का लहंगा बस एक ही बार पहन पाएंगे, वो भी नवरात्रि में। और जिस तरह का मैं लहंगा ली हूँ, किसी और ओकेजन में ही पहना जा सकता है, इसलिए मैं प्रॉपर डांडी वाला लहंगा लेने से बचती हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है गाइस कि इतना सस्ता लहंगा 400 का, मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं हुआ। मैं तो ऐसे ही बस मंगा ली थी कि देखती हूँ आने के बाद क्वालिटी कैसी होती है, क्योंकि मेरे पास समय था। अगर ख़राब भी आ जाता तो फिर उसको रिटर्न करके मैं दूसरा मंगा सकती थी, इतना मेरे पास समय था। लेकिन जब आया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया लहंगा। और उसका जो कलर है ना, पूरा चटक कलर है, कहीं से भी फेड कलर नहीं लगेगा। समझ जाइए कि 400 में इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। और मैं तो उसको क्लीन करके भी देख ली, वॉश करके भी देख ली, तो ना रंग गया ना कपड़ा छोटा हुआ। तो ओवरऑल लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दिवाली आ रही है, दिवाली में भी लोग लहंगा पहनते हैं, छठ पूजा है, या फिर इससे पहले तो आपको आ जाएगा करवा चौथ, तो उसके लिए भी आप मरून कलर का लहंगा ले सकते हैं, इतना सस्ता। तो लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ गाइस, वैसे मेरा प्लान तो कुछ और था बनाने का, लेकिन थोड़ा लेट होने लगा लंच बनाने में। तो बिल्कुल प्लेन खाना बना रही हूँ, चावल दाल रोटी, ये तीन चीज़ तो फिक्स ही रहता है हमारे घर में, और गोभी आलू का सूखी वाली सब्जी कर ली हूँ, और साथ में ये पापड़ फ्राई कर ली। बस यही है आज का हमारा लंच। तो हम लोग तो चले अपना खाना खाने गए, जिसी के साथ व्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। होप कि आप लोग को मेरी व्लॉग पसंद आई होगी, लहंगा साड़ी सब कुछ पसंद आया होगा। व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।